इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की फर्दर फ़ाइलोजेनेटिक कंसिड्रेशन को डिस्कस करेंगे अब आर्थ्रोपोडा जो है जितने भी इनवर्टिब्रेट्स के फ़ाइला हैं सबसे ज्यादा ये सक्सेसफुल ग्रुप गिना जाता है अब इसकी सक्सेसफुल ग्रुप किस तरह से एविडेंस्ड है दे आर नॉर्मली डाइवर्सड इन बॉडी फॉर्म लाइफस्टाइल स्टाइल ऑफ कॉपीपोर्ड्स क्रैब्स लॉबस्टर श्रिम्प बारनेकल्स जिसको भी आप देखें इसके आर्थ्रोपोड्स के ग्रुप्स को उसके अंदर अडेप्टिव रेडिएशन का प्रोसेस जो है दैट इज़ क्वाइट वेल वर्स्ड फिर एक्वेटिक एनवायरनमेंट है उसके में कुछ क्रस्टेशियंस नहीं भी हैं कुछ क्रस्टेशियन यानी आर्थ्रोपोड्स हमें एकटिक एरियल फ्लाइंग सॉइल लैंड हर तरह के अडेप्टिव मोड ऑफ लाइफ में मिलते हैं अब सब फाइलम कैलिक्रेटा के जो है

अवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्राम देअर बॉडी पार्ट्स इसके अन्सेस्ट्रल मेम्बर्स में और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके मेम्बर्स जो हैं वो सबसे पहले जो आर्थरोपोडस अन्सेस्ट्रल आर्थ्रोपोडस जो कि लैंड पर आए उसमें ये इम्पोर्टेंट हो सकते फिर कैलिक्रेट्स के हाउ एवर आर नाट द ओनली टेरिस्टिर आर्थ्रोपोड्स इसके अलावा इसके नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स, कैलिक्रेट्स जो हैं दे आर नॉर्मली सेड टू बी ड्राफ्ट इन टू दी टेरिस्ट्रियल एनवायरमेंट यहाँ भी आप देखें एंसेस्ट्रल के इसके बाद जो है इंसेक्ट्स ग्रुप ऐसा है जो कि हमें हर तरह के एनवायरनमेंट में नज़र आता है तो इससे टेरिस्ट्रियल इंसेक्ट्स जो हैं दे आर कंसिडर्ड टू बी द एनिमल्स दैट बीन रेप्रजेंटेटिव ऑफ द फर्स्ट आर्थ्रोपोड एनिमल्स ऑन दिस यूनिवर्स फिर सेल्स जो हैं एपिडर्मस के और गैस्ट्रोडर्मस के आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में दे डिफ्रेंशिएट इन टू नंबर ऑफ सेल टाइप्स और नंबर ऑफ सेल टाइप्स में क्या क्या है प्रोटेक्शन में फूड गैदरिंग में कोऑर्डीनेशन में मूवमेंट में डाइजेशन में और एब्जॉर्बन में फिर इसमें कि एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान एक जेली लाइक लेयर है जिसको हम कहते हैं मिजोगलिया सेल्स जो हैं इस मिज़ोक्लिया या मिडल लेयर के अंदर डिफरेंट टाइप्स के सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं और यही स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कनाइडेरियंस जो थे उनके अंदर भी मिजोगलिया मौजूद था तो वन काइंड ऑफ सेल का करेक्टरिस्टिक्स इनका कनाइडेरियंस से भी रिजेंबल करते एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस सेल्स जिनको हम कनाइडोसाइट्स कहते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं निमेटोसिस और निमेटोसिस आपको पता है कनाइडेरियम्स के अंदर स्ट्रक्चर्स ऑफेंस एंड डिफेंस के लिए यूज होते हैं इसके बाद निमेटोसिस जो है फ्लूड फील्ड इंट्रा सेलुलर कैप्सूल है और ये एक कोयल की शक्ल में मौजूद दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ कनाइडोसिस स्ट्रक्चर और निमेटोसिस स्ट्रक्चर दिस इज कनाइडोसाइड न्यूक्लियस ट्यूब ओपरकुलम निमेटोसिस दिस इज द ओपरकुलम एंड निमेटोसिस स्ट्रक्चर दैट इज नॉर्मली डिस्टार्ट सो दिस इज द रिजेंबलेंस विद द फाइलम कनाइडेरिया फिर इसमें कनाइडोसिस जो है दैट हैज अडिफाइड तिलियम उसको हम कहते हैं कनीडोसिल्स अब इनकी स्टीमुलेशन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्चार्जमेंट ऑफ विप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द क्वाइल्ड ट्यूब इसीलिए जोलॉजिस्ट जो हैं दे हैव नॉर्मली डिस्क्राइब्ड थर्टी डिफरेंट काइंड ऑफ निमेटोसिस। निमेटोसिस जो हैं ऑफेंस में डिफेंस में फूड कलेक्शन में यूज होते हैं और इनके स्पाइंस जो हैं दे हैव हॉलो टिप्स वहाँ से टॉक्सिन रिलीज होगा जो कि प्रीडेटर को पैरलिस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर कुछ नमेटोसिस जो हैं इनके अंदर अनहार्म ट्यूब्स भी होंगी इसके अलावा कुछ नमेटोसिस्ट टिक्की सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करेंगे सिक्स या मोर काइंड ऑफ नोमैटोसिस्ट दे आर कंसिडर टू बी प्रेजेंट इन अ सिंगल एनिमल